सभी तरफ को राम बचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। जो हिंदुस्तान को बचाएगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा, जो विश्व युद्ध को रोक देगा वो समय का महापुरुष। बाबा जी ने जब कहा तब आप उनकी बात माने नहीं, दस 11-12 सितंबर 1987 ग्राम देवलका तहसील केसरगंज जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने भूम ज्योतक खेतियर काजकार संगठन की आधारशिला रखी। जब काश्तकार भूम ज्योतक रोने लगे कि मेरी कोई नहीं सुनता, केवल चंदा वोट वोट ले लेते बाकी कोई नहीं सुनता, तो बाबा जी ने कहा जब तुम जान गए हो तुम्हारी कोई नहीं सुनता कोई नहीं मानता तो तुम्हें क्यों सुनते हो इनकी क्यों मानते हो। अगर एक बार अगर तुम जाग जाओ तो इनको होश आ जाएगा कि भारत के किसान काजकार भूम ज्योतक जाग गए, लेकिन आपने बाबा जी की बात नहीं मानी। जबकि काश्तकारों का हिंदुस्तान में न कोई संगठन न कोई झंडा इनका बनाया गया, क्योंकि ये लोग जानते थे अगर काश्तकारों भूम ज्योतकों का झंडा बना देंगे, झंडा अधिकार का प्रतीक होता तो अपने अधिकार मांगने लगेंगे। इनकी संख्या 80% है देश में, सरकार बनाने वाले यही है, इन्होंने जानबूझकर तुम्हारा कोई झंडा नहीं बनाया तुम्हारा कोई संगठन नहीं, लेकिन महात्मा तो सबके दुख को दूर करते। उन्होंने भूम ज्योतकों काजकार किसानों को रोने पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इनका झंडा बना दिया और भूम ज्योतक खेतियर काजकार संगठन बना और कहा अरे भूम ज्योत को अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये भूम ज्योत खेतियर काजकार संगठन का झंडा पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे हैं ये अपने बने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक खेतियर काजकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। लेकिन किसानों ने एक भी बात नहीं मानी, अब ये मारे जा रहे इनकी कोई सुनने वाला, जब तुमने महात्माओं की नहीं सुनी अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, इतना तुम हल्ला मचाओ शोर मचाओ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो सबके सबकी सुनने आया सबके दुख दर्द को दूर करने आया तुमने उस संत महात्माओं की बात नहीं मानी नहीं सुनी अब तुम्हारी कोई नहीं सुने, तुमको तो माना जाना चाहिए। अब बाबा जी ने ऐलान करके ये भूम ज्योतक खेतियर काजकार संगठन जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं बनाया, इन किसानों का काजकारों का भूम ज्योत को, लेकिन बाबा जी ने इनके दुख दूर को दूर करने के लिए भूम ज्योतक खेतियर काजकार संगठन बनाया और इनका झंडा बनाया और कहा अपने झंडे को पकड़ कर और विश्वास के साथ तो अपना भूम ज्योतक खेतियर काजकार संगठन का झंडा अगर पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे हैं ये अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक खेतियर काजकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी बात थी और तुमने संतों की बात महात्माओं की नहीं, अब तुम्हारी कोई नहीं मानेगा कोई नहीं, तुम कितना चिल्लाओ कितनी हड़ताल करो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं,
क्योंकि तुमने संत महात्माओं की बात को नहीं सुना, नहीं माना, जिसने कभी तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारे लिए कोई आधार नहीं बनाया। बाबा जी ने दोनों आधार संगठन भी बना दिया और भूम ज्योतक खेतकार संघ का झंडा भी पकड़ा, लेकिन तुमने उनकी एक भी बात नहीं। अब तुम रो रहे, चिल्ला रहे, मारे जा रहे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुमने महात्माओं की बात नहीं सुनी, तुम्हारी कौन सुनेगा। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, जो परमार्थ समाज दे धर्मिताए, उनकी बात आपने नहीं मानी, अब तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। तुम कितनी हड़ताल करो, आंदोलन करो, तुम्हारी बात एक भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि तुमने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को नहीं माना था, जो तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाई थी। अगर आप अपना झंडा पकड़ लेते, अधिकार मांगने का तुम्हारे पास आधार हो जाता। झंडा अधिकार का प्रतीक है, और तुमने कुछ नहीं किया, और इन लोगों ने जानबूझ के तुम्हारा बनाया भी नहीं। ये महात्माओं का काम है, ये हिंदुस्तान महात्माओं की धरा भूमि है ये, और किसी की नहीं। जब कोई नहीं करेगा, वो तो अपनी भूमि की रक्षा करेंगी, ये भूमि उनकी है, उन्होंने तपस्या त्याग से इसे गौरवान बनाया है। जब कोई नहीं करेगा, वो अपनी भूमि की रक्षा करे, और उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। तो आपको ये सब विचार करना चाहिए। तुम्हारे लिए कोई नहीं बोला, तुम्हारे लिए किसी ने तुम्हारा झंडा नहीं बनाया, न तुम्हारा संगठन बनाया, लेकिन बाबा जी ने इन भूम ज्योतकों कातकारों का किसानों का झंडा भी बनाया और इनका संगठन भी बनाया कि आगे इनके आगे सबको झुकना पड़ेगा। इनकी संख्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, यही सरकार बनाता, यही मारा जा रहा, ये है परिणाम। संतों की बात को न मानने वाला हमेशा ठुकराया ही गया, और तुम भी ठुकराए जा रहे हो। अगर 87 में बाबा जी की बात जो उन्होंने उठाई, अगर आपने उसको समझ लिया होता, भारत के कातकार किसानों ने, तो कुछ नजारा तुम्हारा हो रही होता, लेकिन तुमने नहीं मानी। बाबा जी चुप का, चुप हो जाओ, इनको मार खाने दो, ये मार खा के संभलने वाले, ये समझाने से नहीं समझेंगे। महात्माओं के वचन वाणी इनकी समझ में नहीं आएगी, जब डंडा पड़ेगा तब सब समझ में आ जाएगा। अभी तो आपके लिए फिर मौका दिया जा रहा है, मैंने एक ऐलान फिर किया कि अगर आप सच्चे भारतवासी हो, तो तुम्हारे में भारतीयता के लक्षण होने चाहिए। भारतीयता की गौरव गरिमा का ध्यान होना चाहिए, और गर्व होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, लेकिन तुम्हारी कोई पहचान नहीं। गर्व करोगे तो कैसे करोगे? हर देश में चले जाओ, हर देश की वेशभूषा उनके देश की पहचान है, और तुम्हारे भारत देश की वेशभूषा कोई नहीं। सब जन नकल कर रहे, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, ये पैंट पतलून ये तुम्हारी भारतीयता की पोशाक नहीं है अंग्रेजों, ये मुर्गा अंडा और शराब ये उन्हीं की देन है, ये उनका भोजन है, तुम्हारा नहीं। और तुम्हारी जो अंग्रेजी भाषा ये उनकी, ये तुम्हारी नहीं है। तुम हर तरफ से गुलाम हो, भाषा से गुलाम हो, वेशभूषा से गुलाम हो, खान पान से गुलाम हो, कहाँ गुलामी चली गई? कौन कहता गुलामी चली गई? तुम तो असली गुलाम हो। अंग्रेज चले गए,
अंग्रेजियत छोड़ गए और उस अंग्रेजियत को तुम अभी नहीं छोड़ पाए हो और उसी को प्राथमिकता दे रहे हो। आपको समझना चाहिए अगर आप सच्चे भारतवासी तो हमारी प्रार्थना आप स्वीकार कर लीजिए। आप अगर सच्चे भारतवासी हो जो ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने जो वेशभूषा भारत में रहने वाले लोगों की बनाई थी, कुर्ता धोती कमीज पैजामा सदरी टोपी और लंगोटी, इसे आप धारण करो। कि दिन आप धारण कर लोगे, सच्चे भारतवासी कहोगे, दुनिया की नजर तुम्हारे ऊपर होगी, तुम्हारी गौरव गरिमा के आगे सारा मुल्क है और सारे सारे देश झुक जाएंगे। लेकिन तुम अपना गौरव गरिमा तो कायम करो। तुम्हें लोग कैसे भारतवासी कहेंगे? आपको ये मानना पड़ेगा मेरी बात, अभी तक किसी ने नहीं कहा, ये आवाज किसी ने नहीं लगाई। मैंने 15 सितंबर 2023 को यानी ये बात पे मू जिला आजमगढ़ यानी मतलब और ये बलिया 3 जिलों के बॉर्डर पर मैंने 5 दिवसीय कार्यक्रम किया और वहीं पर मैंने ये घोषणा की थी कि संपूर्ण हिंदुस्तान में रहने वाले भारत में रहने वाले संपूर्ण भारतवासियों से हमारी ये प्रार्थना है अगर आप सच्चे भारतवासी हो तो अपनी पहचान कायम करो। इंसान की पहचान वेशभूषा से होती, इसलिए आप इसे छोड़ो। ये पैंट पतलून ये अंग्रेजों की पोशाक, ये हिंदुस्तानियों की नहीं, और ये ठंड प्रदेश की है गर्म देश की नहीं। इसको पहनने से तमाम तरह की बीमारी आपने बुलाई है, ये खाज और खुजली जो भयंकर बीमारी समझ सबको परेशान किए, इन्हीं कपड़ों के कारण, इन कपड़ों के पहनने से ना हवा लगती शरीर में न प्रकाश लगता, इसलिए आपने बीमारियों को निमंत्रण दे दिया। अब भी हमारी बात मान लो, इनसे मुक्त हो जाओ तो बीमारियों से मुक्त हो जाओगे, शाकाहारी हो जाओ बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। ये अंग्रेजी अंग्रेजों का खान पान, ये मुर्गा अंडा और शराब जो पुती ना से नशा, इनको बंद कर दीजिए और ये वेशभूषा अंग्रेजों की इसे छोड़ दीजिए। अपनी भारतीय वेशभूषा को आप धारण करो, सब तरह की बीमारी परेशानियों से आप बचो। ये सूत्र है उनको बचने बचाने का। जब तक आप इसे नहीं लागू करोगे आप बच नहीं सकते। तो मैंने भारतवासियों से प्रार्थना की है, तो हिंदू मुसलमान सब के लिए, अगर भारत भूमि पर रहता है तो भारतवासी है। हम भारतवासियों की एक पहचान होनी चाहिए कि लोग जाने कि हम भारतवासी हैं, भारत का गौरव क्या है, भारत की गरिमा क्या है, भारत का महत्व क्या है, ये जानकारी आपको देनी है। इसलिए भारतीय वेशभूषा में आ जाइए। तुम पहनोगे तुम्हारा मन शांत होगा, विकारों से दूर हो जाएगा, सादगी आ जाएगी आप में, जो देखेगा उसको भी शांति मिलने। ये ऐसी पोशाक ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा दी गई, कुर्ता धोती कमीज पैजामा सदरी टोपी पगड़ी और लंगोटी, ये भारतीय वेशभूषा, इसको आप लोग धारण करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी और आपको तरह तरह के दुर्गुणों से, गंदे खान पान, ये सब से आपका बचाव हो जाएगा। मैंने प्रार्थना की है,
देश के राजा और प्रजा दोनों से, क्योंकि ये दोनों का कर्तव्य है। तुम भारत के राजा हो तो तुम्हें भारत की गौरव गरिमा का विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि भारत देश का राजा बड़े पुण्य कर्मों के द्वारा होता है। इसके पुण्य कर्म जब इकट्ठा हो जाते हैं तब ये राजा बनने का सौभाग्य मिलता है। आप धार्मिक भूमि भारत भूमि के राजा हैं, आपको धार्मिक भूमि की मर्यादा करनी चाहिए, रखनी चाहिए और भारत देश में धर्म का प्रचार कराना चाहिए। मानवता इंसानियत जन जन में आनी चाहिए, तब देश खुशहाल होगा, तब देश में विकास। आप जो सोचते हो उससे कोई विकास न हुआ है न हो, इस बात को आप बराबर ध्यान में रखिए। आप शाकाहारी हो जाओ, अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, देखो चमत्कार क्या होता देश, कैसे विदेशी तुम्हारा सीधा प्रणाम करते, कैसे झुक जाते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों को सभी प्रणाम करते हैं और ये ऋषि मुनि महात्माओं की पोशाक ये वेशभूषा है, इसको सब प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये किसी देश की वेशभूषा नहीं करे। सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो जितना सुनो जितना हजम हो जाए, अब पहले जैसा नहीं जो मैं चार चार पांच पांच घंटे सुना था, अब उतना सुनाऊंगा जितना समझ लू, समय खराब नहीं करूंगा, और आप उतना सुनो जितना हजम करो, जितना जीवन में उतार सको और उसका लाभ प्राप्त कर सको, ये वो संदेश है, ये लाभ देने वाला, ये भाषण स्पीच नहीं है, ये सत्य संदेश है जो भारत जैसे धार्मिक देश के लिए लाजमी है। बगैर ऐसे संदेश के देश में कोई विकास हो ही नहीं सकता। कितना जोर लगा लो अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा, इसे कोई रोक नहीं। अब वो समय शीघ्र ही आपके सामने आने वाला है। हुई है संत राज भारत मां, अब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, तब दिखाई पड़ी है ये सब दिखाई, जो जो कहा गया है कहा जा रहा है ये सब होने वाला है, ये करके दिखाया जाए। आपको सब समझना चाहिए, संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले आए थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी, कहा भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, ऐसा अनोखा सेनानी तीर्थ मंचा भाला वर्षी बम नहीं चलाएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। आगे रविदास जी क्या कह रहे हैं, वो ऐसा महापुरुष दिव्य अनोखा अलौकिक होगा, ऐसी लीला करेगा जो आज तक धरती पर किसी ने नहीं की। कौन सी लीला, जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा,
देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ को राम बचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। जो हिंदुस्तान को बचाएगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा, जो विश्व युद्ध को रोक देगा वो समय का महापुरुष बचाएगा। पहले बात समझ लीजिए, जो लोग अपने नाम के आगे नकली, कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई सरकार लिख रहा, कोई महाराज लिख रहा, लेकिन जो विश्व युद्ध रोकेगा वो समय का सदगुरु कहलाएगा। व्यवस्था तो वो है कि आने वाले कष्ट मुसीबत बीमारी महामारी को रोक लेगा, वो समय का महापुरुष कहलाएगा। आगे रविदास जी क्या कह रहे हैं, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ को राम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, वो कौन है? संत नाम भी खोल रहे, वो सत्य कहने में डरते नहीं है। क्या कह रहे रविदास जी, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी, ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। प्रेमियों, ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक कोई बचने वाला नहीं है, ऐसी उसकी योजना है, ऐसी उसकी भूमिका, सबको कीमत चुकानी पड़ेगी, सबको ये धन वापिस करना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा कि महापुरुष किसे कहते, महापुरुष कौन सा काम, कौन सी सच्चाई, कौन सा सच्चा काम करने आया। आगे क्या कह रहे हैं रविदास जी, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी, ये छोड़ सब मैदान भगेंगे। तभी तो विदेशी बैंक के बाहर डाली है कि भाग जाएंगे, आराम से वहां रहेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है वो महापुरुष क्या कर रहा है, क्यों गायब हुआ है, क्या खोज कर रहा है, कौन सी भूमिका व्यवस्था बना रहा, तुम्हें क्या मालूम। कहते ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, कोई बचने वाला, ये सोचते मैंने भारत की जनता से छिपा के और चुरा के विदेशी बंगे भरती, अरे तुम्हें नहीं मालूम, जब तुम ले जा रहे थे तभी वो देख रहा था, और जहां जमा कर रहे थे वहीं बैठा था, वहीं बैठा था, वहीं कहा था किस देश के किस खाते नंबर पर, किस कोर्ट नंबर पर, किसका किसका कितना कितना आना पाई जमा है, कितना सोना, कितनी चांदी, कितना हीरा, 12 सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया रहेगा, इस इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन गुनेगार लोगों ने, स्वार्थी लोभी लालचियों ने कुर्सी के मुंह के इन्हों सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न कर, अब वो समय आ रहा है इनका, ये भी नहीं बच पाएंगे। बाबा जी ने पहले ही कहा था, मैंने एक ऐसा जाल बना के रखा, समय आने पर
छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो फंसे ना, पहले बता। लेकिन महात्माओं के वचन बड़े अटपटे होते, जल्दी समझ में नहीं आते। जब तुम लोग नहीं समझ पाए हो, जो मथुरा में इतने दिन रहे हो, संदेश सुनते रहे, दर्शन करते रहे, तब तुम नहीं पहचान पाए। तो जो कभी बेचारे गए नहीं, वो क्या जाने महिमा। आता है इटली से कोराम मचेखा, देखो संतों को सब दिखाई देता। ये कोरोना नाम की बीमारी इटली से चली थी, और रमजान की कितने पहले बता रहे हैं। वो तो जैसे आप इन दो आंखों से सामने देख रहे हो, ऐसे वो दिव्य दृष्टि से और भूत भविष्य वर्तमान सबको देख लेते, तब बताती। कहते इटली से कोराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी जो होगा, भारी संघारी भारत होगा, विश्व विजेता भारत होगा, विश्व का नेता दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। ये सब भारत की, ऐसे थोड़ी बाबा जी ने कह दिया कि विश्व गुरु हो भारत देश, विश्व का गुरु अध्यात्म से, विश्व का गुरु भारत है। अध्यात्म शिक्षा विश्व में भारत के सिवा किसी देश में नहीं, किसी देश में शिक्षा नहीं। और आप भारत देश की महिमा खो बैठे, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। तो उसी की नींव डाली जा रही है, धीरे धीरे सब पर्चे आपको करा दिया जाएगा, बस आप सत्संगों में आते जाते सब कुछ जानकारी हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों, बहुत देर से आप बैठे। देखो उतना सुनो जितना याद रख सको, मैं ज्यादा समय अपना तुम्हारा खराब नहीं करता। अब मैं उतना ही बताता हूँ जितनी जरूरत है, जो आगे होने वाला है, जो आगे समय वक्त आ रहा, मैं उसी का ही इशारा करता हूँ। इधर उधर की बातें नहीं, यहाँ भाषण स्पीच प्रवचन नहीं होता, यहाँ इधर उधर की झूठी बातें नहीं कही। जो होने जा रहा है उसकी आपको पहली जानकारी दी। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को ध्यान में रखिए, अब इंसानों के बस का कोई काम नहीं रहा, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म नीति हो, इनके बस का नहीं। 70 साल की आजादी ये पूरा प्रमाण दे रही है, कुछ नहीं, चुनाव के सिवा कुछ नहीं। चुनाव 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 सारा देश चुन गया, चुनाव तो हुआ, जिनको आपने चुना उन लोगों ने जनता के हित का कोई काम नहीं किया। चुनाव तो जनता के हित के लिए होता, लेकिन जनता के हित का कोई काम नहीं। इसी से आपको समझ लेना चाहिए
कि तुम्हारे लिए चुनाव नहीं के बराबर, और चुनाव का खर्चा बहुत है। भारत की जनता से भी चोरी की गई, चुनाव का खर्चा आपको नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूं इस पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब। इतना महंगा चुनाव है, फिर ये महंगाई तुम्हारे से वसूल, और कोई देने वाला नहीं है। ये छोटे बड़े काश्तकार भूमजो तक मजदूर, छोटे कर्मचारी अधिकारी, छोटे दुकानदार, इन्हीं से टैक्स GST लगा लगा कर वसूल किया गया, इन्हीं से वसूल, और कोई देने वाला नहीं। अब आपको समझना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सब हमी से न कहलवाओ, कुछ अपनी भी बुद्धि लगाओ। अरे जब परेशानी आती है तब लोग परेशानी दूर करने की युक्ति सोच लेती है, तो तुमको भी निर्णय ले लेना चाहिए इन सारी अहम समस्याओं का समाधान क्या है, ये खुद आपको समझना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? ये तीन सूत्र में गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए तीन सूत्र। ये कोई नहीं ला सकता, ये धरती पर कोई इनकी व्यवस्था नहीं बना सकता। तो देखते जाइए, सुनते समझते जाइए आप।